हाय एवरीवन, वेलकम बैक। कैसे हैं आप? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ये मोस्ट रिक्वेस्टेड वीडियो है। मेरे पास आजकल बहुत कमेंट्स आ रहे हैं कि आपने अपना वेट लॉस किया है तो किस तरीके से किया, प्लीज़ हमारे साथ शेयर कीजिए। तो मैंने पिछले 2 महीनों में 10 किलो वेट कम कर लिया। बिल्कुल आइडियल वेट पे हूँ मैं। 59 kg मेरा वेट है, मेरी हाइट के अकॉर्डिंग बिल्कुल परफेक्ट है। तो मैं कैसे करती हूँ, सबसे पहले मेरा जो दिन की शुरुआत है 5 बजे से हो जाती है, क्योंकि तभी शिवी स्कूल जाती है। तो अपना भी मैं काम करती रहती हूँ, अपना ड्रिंक वगैरह जो है ये हेल्थी की तैयार करना, और साथ में तवीशी का भी लंच वगैरह की प्रिपरेशन करती रहती हूँ। तो रात को मैंने ये जीरे का पानी जो है, 1 कप पानी के अंदर एक जो स्पून होता है, 1 चम्मच मैंने जीरा भिगो के रखा हुआ था, और फिर इसे गर्म करके फिर इसे छान कर मैं पी लेती हूँ। तो किसी दिन इसी तरीके से थोड़ा सा मैं आधा जैसे चम्मच, 1 कप पानी के अंदर आधा चम्मच जीरा और आधा चम्मच मैं सौंफ डाल के पी लेती हूँ। किसी दिन मैं सिंपल ही हल्का सा गर्म करके पानी पी लेती हूँ। किसी दिन थोड़ा सा मतलब जीरा, थोड़ा सा अजवाइन और थोड़ी सी सौंफ, मतलब ये तीनों मिला के 1 चम्मच होने चाहिए। इनको मैं रात भर भिगो के रख देती हूँ 1 कप पानी में, फिर सुबह इनको मैं गर्म करके पी लेती हूँ। तो ऐसे बदल बदल कर मैं ये पानी पी लेती हूँ। ये एक तरीके से डिटॉक्स वाटर है, आपकी बॉडी को डिटॉक्स करता है, वेट लॉस में भी काफ़ी मदद करता है। इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, आप गूगल पे सर्च करेंगे तो आपको बहुत कुछ पता चलेगा। और एक बात और बताना चाहूँगी, मैंने कोई भी किसी भी तरीके से कोई ट्रेनिंग वगैरह किसी की नहीं ली है, सिर्फ अपने तरीके से मैंने वेट लॉस करने की यहाँ पर कोशिश की है। तो आप ये मत सोचिएगा कि मैं मतलब बहुत अच्छे से आपको बताऊँगी। जिस हिसाब से मैंने अपनी बॉडी को जानकर अपना वेट लॉस किया वो मैं आपको बता रही हूँ। इसके बाद फिर मैं सुबह जो होता है तभी जी को जब छोड़ने जाती हूँ तभी मैं वॉक पर भी जाती हूँ, लेकिन मॉर्निंग वॉक मेरी सिर्फ 20 मिनट की होती है, ज़्यादा नहीं, क्योंकि फिर मुझे घर पर भी आना होता है, मेरी हाउस हेल्पर आनी होती है तो मुझे घर के काम भी निपटाने होते हैं। तो ये मैं रात को सोक करके ड्राई फ्रूट्स रखती हूँ हम सभी के लिए, तविशी को लंच बॉक्स में भी दे देती हूँ, और आलमंड है, वॉलनट है, साथ में किशमिश है, तो ये हम सभी खाते हैं थोड़ा थोड़ा करके। थोड़ा सा विवेक को देखती हूँ, थोड़ा तविशी और थोड़ा मैं, तो ये भी बहुत ज़रूरी है क्योंकि कुछ खाया नहीं होता है, तो इसके लिए एनर्जी के लिए काफ़ी अच्छे हैं। इसके बाद मैं वॉक से आने के बाद घर की सारी साफ़ सफाई करती हूँ हाउस हेल्पर के साथ, मतलब डस्टिंग वगैरह जो भी है वो मैं निपटा लेती हूँ। उसके बाद 10 बजे मेरा ब्रेकफास्ट होता है, तो मतलब 9:30 मैं ब्रेकफास्ट जो है वो बनाना शुरू कर देती हूँ। तो ब्रेकफास्ट में मैं मूंग दाल चीला बनाती हूँ किसी दिन बेसन का चीला बनाती हूँ, और किसी दिन मैं पोहा बना लेती हूँ, किसी दिन दलिया की जो खिचड़ी होती है वो मैं बना लेती हूँ, और किसी दिन छिलके वाली जो मूंग दाल होती है उसका चीला बना लेती हूँ, और आज जैसे मैं बना रही हूँ तो ये मैं धुली हुई जो मूंग दाल है उसका चीला बना लेती हूँ, और एक दिन मैं ब्रेड ऑमलेट ले लेती हूँ, 1 ब्रेड होती है और 1 अंडे का मैं ऑमलेट ले लेती हूँ। 6 दिन मेरा ये ब्रेकफास्ट कुछ इस तरीके का होता है। और 7th डे यानी संडे को मैं रिलैक्स करती हूँ, मैं डाइट पर नहीं रहती हूँ, लेकिन संडे को भी मैं इस चीज़ का ध्यान रखती हूँ कि पराठे वगैरह जैसे मैं ले रही हूँ तो सिर्फ 1 पराठा लेती हूँ, ज़्यादा नहीं। ऐसा नहीं है कि आज संडे है तो हम खूब खुश हो जाएं और खूब भर के खाएं, ऐसा नहीं है। मैं संडे को सिर्फ 1 पराठा खाती हूँ। और यहाँ पर जो मैंने मूंग दाल का चीला लिया है, रात भर मूंग की दाल को, धुली हुई मूंग की दाल को सोख करके रखा था, इसे हरी मिर्ची के साथ और अदरक के साथ ग्राइंड कर लिया, फिर इसके अंदर सॉल्ट डाला, थोड़ा सा गरम मसाला डाला, नमक डाला, और इसके अंदर मैंने चॉपर में चॉप करके थोड़े से टमाटोज और थोड़ी सी गाजर जो है वो डाली हुई है, आप देख रहे होंगे रेड रेड दिखाई दे रहा है, और फिर हल्का सा तवे पर घी लगा के मैं इसको इस तरीके से फैलाकर बना रही हूँ। खाने में भी ये काफ़ी टेस्टी लगता है, लेकिन चीला भी सिर्फ मैं 1 खाती हूँ। साथ ही साथ वेट लॉस में इस चीज़ का ध्यान रखना है, आप खा तो रहे हैं लेकिन कम क्वांटिटी में खाना है, थोड़ा थोड़ा खाइए। मैं 4 से 5 बार खाती हूँ लेकिन बहुत ही कम क्वांटिटी में खाती हूँ। कैलोरीज का ध्यान रखना है, मीठा मैंने बिल्कुल छोड़ा हुआ है, सिर्फ चाय लेती हूँ वो भी शक्कर वाली लेती हूँ, ना मैं आइसक्रीम खा रही हूँ काफ़ी दिनों से, ना ही मैंने कोई मिठाई खाई है, जबकि मैं मीठे की बहुत ज़्यादा शौकीन हूँ। खाती भी हूँ तो संडे को खाती हूँ सिर्फ 1 गुलाब जामुन अगर मेरा मन कर रहा है तो, या फिर 1 मिठाई का पीस। कोल्ड ड्रिंक मैंने बिल्कुल छोड़ी हुई है। खैर, मैंने कोल्ड ड्रिंक तो पिछले जब से लॉकडाउन लगा है तब से मैंने पी ही नहीं है, और तो ये सब चीज़ों को आपको छोड़ना पड़ेगा तभी कोई मतलब फ़ायदा, विजिबल जो डिफरेंस है वो तभी दिखाई देगा। मैं काफ़ी दिनों से पहले वेट लॉस करने की कोशिश कर रही थी, करती भी थी, मेहनत भी करती थी, सब कुछ करती थी, लेकिन खाने पीने का ध्यान नहीं रखती थी। फिर बाद में मुझे समझ में आया कि
खाना जो है वो खाइए, लेकिन कम क्वांटिटी में खाइए, बहुत ज़्यादा भर के मत खाइए। तो जैसे चीला है, सिर्फ एक चीला लीजिए और साथ में चाय लीजिए। शुरू शुरू में मैंने ग्रीन टी भी आफ्टरनून में लेनी शुरू कर दी थी, लेकिन अब मैंने छोड़ दी, अब मैं ग्रीन टी नहीं लेती हूँ। आप चाहें तो ब्रेकफास्ट करने के 1 घंटे के बाद ग्रीन टी भी ले सकते हैं, कोई भी फ्लेवर की। आजकल तो इतनी अच्छी अच्छी फ्लेवर वाली आ रही है, लेकिन आजकल मैं नहीं ले रही हूँ। बस मैं ब्रेकफास्ट करती हूँ और उसके 2 घंटे बाद में कोई भी फ्रूट की सैलेड वगैरह ले लेती हूँ। तो ऐसे करके मेरा काम चलता रहता है। तो बस खाने पीने का ध्यान रखिए, अपनी कैलोरीज का ध्यान रखिए, ज़्यादा कैलोरीज नहीं लेनी है, कैलोरीज काउंट करके लीजिए। नहीं समझ में आ रहा है कि कैसे कैलोरीज को पता चले कि किस चीज़ में कितनी कैलोरी है, तो आप गूगल पे हर चीज़ सर्च कर सकते हैं, हर चीज़ का पता चल जाता है कि कितनी कितनी आपको कैलोरी लेनी है। तो जैसे चीला भी मैंने लिया है, तो मूंग दाल वाला है, प्रोटीन जितना होगा उतना अच्छा है अपने ब्रेकफास्ट में आप लें। और उसमें मैंने घी भी बहुत ही कम क्वांटिटी में डाला है। यहाँ ये मेरी चाय जो है तैयार हो गई है, इसमें मैंने आधा जो चम्मच के लगभग मैंने इसके अंदर शक्कर डाली है। आप फीकी ले सकते हैं तो आप बिल्कुल फीकी भी ले लें, लेकिन शुगर नहीं डालें, क्योंकि अगर आपने शुगर डाल दी तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है डाइट का, वो तो फिर नुकसान की तरफ चला जाएगा। तो शुगर को आप अवॉइड कीजिए, और बहुत मीठी नहीं होती है शक्कर से जो चाय है, बस थोड़ा सा दिल खुश करने के लिए कि हाँ कुछ मीठा लिया है इसलिए मैं ले लेती हूँ, नहीं तो मीठे की मुझे बहुत ज़्यादा क्रेविंग होती है, वो फिर मेरे से कंट्रोल में नहीं आती है। तो बस फिर ये जो है मेरा ब्रेकफास्ट की, जो आप देख सकते हैं ये थाली है, सिर्फ एक चीला और चाय। तो इसी तरीके से जो है मेरा ब्रेकफास्ट चलता है, और हेल्दी भी है और अच्छा भी है। आप भी इस तरीके से ब्रेकफास्ट कर सकते हैं। और मॉर्निंग में मेरा लेकिन काम बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि तवीशी का अलग मुझे लंच बनाना पड़ता है और अपना अलग, क्योंकि तवीशी को मैं चीला नहीं दे सकती हूँ लंच में, वो बहुत ही ज़्यादा सॉगी हो जाता है। पोहा जैसे मैं लेती हूँ तो पोहा नहीं दे सकती हूँ, तो उसके लिए अलग बनाना पड़ता है और अपने लिए अलग बनाना पड़ता है। तो चल जाता है, लेकिन थोड़ी सी मेहनत तो करनी पड़ेगी। फिर बच जाते हैं, देखिए 10 बजे तक मैंने कर लिया है ब्रेकफास्ट, अब 12 बज रहे हैं, तो कुछ ना कुछ खाने का मन करता है जैसे। तो फिर मैं फ्रूट्स वगैरह अपने घर में रखती हूँ, तो जैसे अभी तो आज तो मैंने खरबूजा है ये मंगाया हुआ, काफ़ी मीठा था तो खरबूजा ले लिया। किसी दिन फ्रूट नहीं है तो ककड़ी घर में रखी हुई, तो ककड़ी खा ली एक, और खरबूजे के भी जिस तरीके से मैंने ये पीसीस आप देख रहे हैं ना लंबे लंबे, इस तरीके के मैं 3 पीसीस जो हैं वो खा लेती हूँ। और किसी दिन मैं वाटरमेलन ले लेती हूँ, तो काफ़ी सारा इसमें पानी होता है, फाइबर होता है, फाइबर भर भर के लेना है। फाइबर जितना लेंगे उतना ज़्यादा आपके पेट के लिए भी अच्छा है, और वज़न कम करने में भी ये काफ़ी हेल्प करता है। तो इस वक्त मैं फ्रूट ले लेती हूँ। और एक चीज़ का और ध्यान रखना है कि पहले वज़न कम करने का एक कारण ये भी था कि जैसे मैं किचन में जाती थी, बिस्किट रखे हुए होते थे, तो चलो कुछ मन कर रहा है खाने का, मंचिंग का, तो मैं 1 या 2 बिस्किट खा लेती थी। थोड़ी देर बाद गई, फिर मंचिंग का मन कर रहा है, तो मैं थोड़ी सी नमकीन ले लेती थी, वो खा लेती थी। किचन में काम कर रही हूँ, काम करते करते ही थोड़ी सी नमकीन निकाल के वो खा लिया करती थी। ये आदत हमें लगता है हमने कुछ नहीं खाया, थोड़ा सा ही तो खाया है, वो हम काउंट ही नहीं करते हैं, जिसकी वजह से हमारा बहुत ज़्यादा वज़न बढ़ जाता है। तो ध्यान रखना है कि ऐसी चीज़ें बिल्कुल अवॉइड करनी है, नहीं खाना है। तो आप थोड़ा थोड़ा करके खाएं, लेकिन हेल्दी चीज़ें खाएं, जंक फूड को, तले भुने को बिल्कुल अवॉइड कर दें। तो यहाँ पे आज मैंने खरबूजा है वो खाया है, वाटरमेलन, ककड़ी, खीरा, जो आपके पास पड़ा है आप वो खा सकते हैं। और आज का खरबूजा सच में बहुत ही ज़्यादा मीठा था। इसके बाद फिर आती है लंच की बारी, तो 1 बजे मैं लंच जो है तैयार करना शुरू कर देती हूँ। सिंपल लंच बनाती हूँ, कुछ भी स्पेशल नहीं बनाती हूँ, जो भी है जैसा मैं पहले खाती थी वैसा ही खाती हूँ, सिर्फ क्वांटिटी जो है थोड़ी सी कम कर ली है मैंने। तो आज मैं जैसे भिंडी बना रही हूँ, तो भिंडी की सब्ज़ी जो है वो बिल्कुल सिंपल तरीके से बना रही हूँ। ऑयल गर्म करके इसमें लंबा लंबा प्याज और एक हरी मिर्ची डाल दूँगी, थोड़ी सी अजवाइन डाल दूँगी, हल्दी डाल दूँगी, फिर इसे भून लूँगी थोड़ी देर प्याज को। और जैसे अभी प्याज को भूना है, हल्का सा भूनने के बाद इसमें हल्दी डालूँगी, और फिर इसमें हल्दी को भूनने के बाद फिर मैं जो है भिंडी डाल दूँगी, और भिंडी को 1 से 2 मिनट तक चलाती रहूँगी ताकि उसका जो लेस है वो अच्छे से सूख जाए। फिर उसके अंदर नमक डाल के, गरम मसाला डाल के और धनिया डाल के मिक्स करने के बाद उसको ढक कर, लाल मिर्च पाउडर भी डाल के ढककर पका लूँगी। तो ये हमारा जो है इस तरीके का जो लंच है वो तैयार हो जाता है। तो लंच में कुछ भी, किसी दिन मैं
पहले तो मैं मल्टीग्रेन जो है आटा वो ले रही थी, लेकिन अब मैं सिंपल आटे की जो है वो रोटी लेने लगी हूँ। और सर्दियाँ थी तो मैं एक दिन बाजरे की भी जो है किसी दिन रोटी ले लेती थी, किसी दिन मक्का की भी रोटी ले लेती थी, किसी दिन मल्टीग्रेन ले लेती थी। लेकिन अब जो है मेरा वेट बिल्कुल परफेक्ट हो गया है, तो सिर्फ मैं जो सिंपल वाला आटा होता है, गेहूं का जो आटा होता है, वह ले रही हूँ। तो मेरा जो लंच होता है वो एक रोटी के साथ होता है, और कुछ भी मैं कभी स्पेशल नहीं बनाती हूँ कि भाई दूसरे लोग कुछ और खाएंगे मैं कुछ और खाऊंगी। मैंने भी वही सब खाया जो और सब खाते हैं, लेकिन हाँ आलू मैंने बिल्कुल अवॉइड किए। इस बार पूरी विंटर्स में सिर्फ मैंने 2 बार आलू मटर टमाटर की सब्जी खाई है, जबकि वो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। तो आलू बिल्कुल ही अपने डाइट में से हटा दीजिए। और जैसे आज तो मैंने भिंडी की सब्जी बनाई है, बैंगन की अगर सूखी सब्जी बनाती हूँ तो सिर्फ बैंगन बनाती हूँ, आलू नहीं डालती हूँ। तवीशी को आलू के पराठे वगैरह जैसे पसंद है, तो उसके लिए अलग से मैं बना देती हूँ, लेकिन हम लोग बिल्कुल नहीं खाते हैं, मैं और विवेक बिल्कुल नहीं खाते हैं। तो लंच बाकी सिंपल रहता है, किसी दिन लौकी की सब्जी जैसे है आजकल आ रही है वो खा लेते हैं, भरवा करेला भी मैं बना लेती हूँ, और चटनी वगैरह भी मैं प्रॉपर जैसे खानी चाहिए अगर मुझे मैं बनाती हूँ तो खा लेती हूँ। और बाकी टिंडे जो आजकल और बीन्स की सब्जी ये सब जो आ रही है ये मैं पूरा खा रही हूँ, ऐसा नहीं है। और बीन्स अगर मैं बनाती हूँ तो बिना आलू वाली बनाती हूँ। कभी कभी तवीशी जैसे ज़िद करती है कि मम्मा आलू डाल दिया करो, तो आलू अगर मैंने डाले भी हैं बीन्स की सब्जी में, आलू और बीन्स, तो अपने लिए आलू बिल्कुल भी उस सब्ज़ी में से नहीं निकालती हूँ, सिर्फ बीन्स बीन्स की जो सब्ज़ी होती है वो निकाल लेती हूँ, आलू अलग कर लेती हूँ। तो इस तरीके से ध्यान रखती हूँ अपनी डाइट का, और जो जो मैं खा रही हूँ आजकल वही मैं आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और बस अपने खाने का ध्यान रखना है, खाने की क्वांटिटी का ध्यान रखना है, तभी जाके जो है वो वज़न कम होगा। और जैसे मैंने आपको बताया कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह बिल्कुल भी ना लें, उसकी जगह आप लस्सी वगैरह ले सकते हैं अगर आपका मन है तो, नमक वगैरह डाल के छाछ वगैरह ले सकते हैं जो वो काफ़ी हेल्दी होती है, बेल का जूस ले सकते हैं जो काफ़ी हेल्दी होता है शक्कर डाल के। तो ये है मेरी लंच की थाली जिसमें है ढेर सारा खीरा, फाइबर ज़रूर लीजिए, एक रोटी जिसमें मैंने बहुत थोड़ा सा घी लगा लिया है, एक पापड़, दही, वैसे मैं रायता भी ले लेती हूँ, रायते या कभी मैं टमाटर और प्याज का ले लेती हूँ, कभी खीरे का ले लेती हूँ, कभी ककड़ी को कद्दूकस करके इसमें डाल देती हूँ। तो इस तरीके से मेरा जो लंच की थाली है वो होती है, और फिर ये जो सब्ज़ी है जैसे कोई भी सब्ज़ी वो मैं ले लेती हूँ। तो इस तरीके से जो है मेरा जो लंच की थाली होती है वो तैयार होती है। कभी कभी चटनी भी होती है तो चटनी भी इसमें डाल लेती हूँ, आज नहीं है। और इसके बाद फिर मैं कुछ नहीं लेती हूँ, जो मेरा लंच है वो 2 बजे जो होता है वो हो जाता है। अब इसके बाद शाम के 5 बज रहे हैं, तो 5:30 बजे तक मैं चाय ले लेती हूँ, क्योंकि फिर 6 से 7 जो है मैं वॉक के लिए नीचे जाती हूँ। मॉर्निंग में जाती तो हूँ, लेकिन वही है कि मैं बहुत लंबी वॉक नहीं करती हूँ, क्योंकि सुबह सुबह काम का बहुत ज़्यादा प्रेशर रहता है, तो शाम को मैं ज़रूर वॉक के लिए जाती हूँ। तो 6 से 7 बजे का मेरा टाइम है, तो फ़िलहाल 5 बज रहे हैं, तो बाहर मैंने सोचा आपको बालकनी का भी नज़ारा दे दूँ। और वही शाम की जो चाय होती है वो मैंने चढ़ा दी है यहाँ पर, उसमें बिल्कुल फीकी चाय बनाती हूँ, कोई चीनी वगैरह कुछ नहीं डालती हूँ, विवेक और अपनी बन रही है यहाँ पर चाय, लेकिन वो मैं बाद में उसके अंदर मिक्स करती हूँ। अपने में मैं शक्कर डालती हूँ, विवेक को शक्कर वाली चाय अच्छी नहीं लगती है, तो विवेक के कप में मैं चीनी डाल देती हूँ। तो आजकल अदरक मैंने अवॉइड कर रही हूँ, अदरक की चाय वैसे तो अच्छी लगती है, लेकिन गर्मी आया तो मैंने छोड़ दिया है। तो इसके अंदर सिर्फ मैंने चाय पत्ती डाली है, और हरे वाली जो इलायची होती है छोटी इलायची, वो 2 इलायची मैं इसमें कूट के डाल दूंगी। कभी कभी तुलसी भी, जो तुलसी का पत्ता होता है वो भी मैं चाय में डाल देती हूँ, लेकिन अभी जैसे शाम हो रही है ना तो शाम को नहीं ही मैं डालती हूँ। अगर दिन में कभी याद आता है तो दिन में ही तोड़ कर तुलसी का पत्ता फ्रिज के अंदर धो के रख लेती हूँ फिर डाल देती हूँ, लेकिन शाम को तुलसी को कहते हैं तुलसी का पत्ता तोड़ना नहीं चाहिए, इसलिए नहीं तोड़ती हूँ। और यहाँ पर चाय भी जो है वो बनकर तैयार हो गई है, फिर वही शक्कर वाली चाय पीजिए अगर आप पी सकते हैं, नहीं तो आप ग्रीन टी भी ले सकते हैं इस वक्त अगर ग्रीन टी लेना चाहते हैं तो। मैंने तो आजकल छोड़ दी है, ग्रीन टी मैं नहीं ले रही हूँ। और हाँ, ये 2 चाय तो मेरी फिक्स है, उससे ज़्यादा मैं नहीं लेती हूँ, बिल्कुल भी नहीं लेती हूँ, 2 से ज़्यादा बिल्कुल भी चाय करती नहीं हूँ मैं। तो यहाँ पर अपना और विवेक का जो है वो चाय मैंने तैयार कर लिया है, वो मैं ले लूँगी। और हाँ, चाय के साथ मैं कभी कभी मखाने ले लेती हूँ हल्के से रोस्ट करके, ये शक्कर है बस, देख सकते हैं आप, ये मैंने इतनी इसमें डाली है, और उसको घोल लूँगी मैं। और कभी कभी
सिर्फ 2 बिस्किट्स, क्योंकि चाय जो खाली होती है बिल्कुल नहीं अच्छी लगती है, तो 2 बिस्किट जो है वो मैं लेती हूँ। आप चाहे तो मखाना ले सकते हैं, हल्का सा घी में थोड़ा सा उसको भूनने के बाद हल्का सा नमक डालकर, लेकिन मैंने शुरू से ही, मैंने ऐसा कुछ नहीं है कि मैंने चाय के साथ बिस्किट नहीं लिए, मैंने लिए लेकिन सिर्फ 2 बिस्किट लिए हैं, उससे ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं लिए हैं। तो आप चाहें खाली चाय नहीं लेनी है तो आप इस तरीके से बिस्किट भी ले सकते हैं। तो अब बज गए हैं 5:30, और यहाँ मैं अब डिनर की भी तैयारी करूँगी, क्योंकि फिर मुझे क्या है 6 से 7 वॉक के लिए नीचे जाना है। तो अपना जो मेरा काम है डिनर वाला, वो मैं आधा कंप्लीट करके जाती हूँ। तो आज जैसे मैं बना रही हूँ दाल, तो दाल जो है यहाँ पर मैंने धुली हुई मसूर की दाल ली है, और थोड़ा सा मैंने इसमें मूंग की दाल डाली है, इसको मैंने सोक करके रख दिया था आधा घंटा, और अब ये फूल गई है। इसके अंदर मैंने चॉप्ड करके एक बड़ा टमाटर और हरी मिर्ची डाल दी है। इससे क्या होता है थोड़ा टेस्ट आ जाता है, नहीं तो उबली उबली सी लगती है ये दाल, क्योंकि मैं रात में सिर्फ दाल लेती हूँ, मैं कोई भी रोटी वगैरह नहीं लेती हूँ। अगर मैंने कोई सब्ज़ी बनाई है, जैसे तोरी की सब्ज़ी है या फिर लौकी की सब्ज़ी है, और बस मैं वही लेती हूँ, उसके साथ में कोई भी रोटी नहीं लेती हूँ। और अगर मैं तोरी की सब्ज़ी बना रही हूँ, लौकी की सब्ज़ी, या मैंने टिंडा बनाया, तो उसमें मैं बहुत ही कम तेल में उसको बनाती हूँ। तो यहाँ पर ये दाल है जैसे मैंने बताया, और इसके अंदर मैंने पानी डाल दिया थोड़ा सा, और चॉप्ड करके हरी मिर्ची, और एक बड़ा जो टमाटर है वो डाल दिया था, हल्दी इसमें डाल दी है, नमक इसमें डाल दिया, थोड़ा पानी और ऐड करूँगी क्योंकि मुझे थोड़ी पतली सी दाल लेनी है, और फिर इससे ढककर इसमें सीटी लगा लूँगी। दाल में तड़का इन लोगों के लिए, विवेक और तबीशी के लिए मैं लगा देती हूँ। मैं यहाँ पर बिना तड़के वाली ही दाल ले लेती हूँ, क्योंकि इसके अंदर टमाटर मैंने पहले ही डाल दिया, तो ज़्यादा पता नहीं चलता है, और दाल बहुत अच्छी लगती है। और सब्ज़ी वगैरह तो जैसे बिना तड़के के होती नहीं है, वो तो बिल्कुल उबली हुई लगेगी, तो उसमें ज़रूर है बहुत ही कम तेल में मैं जो होता है वो सब्ज़ी का जो तड़का होता है वो लगाती हूँ, लेकिन रात में बिल्कुल भी रोटी नहीं लेती हूँ। और जो मेरा डिनर है वो 7:30 बजे तक हो जाता है, उसके बाद मैं कुछ भी नहीं लेती हूँ, सिर्फ सोते वक्त आधा कप दूध जो होता है वो लेती हूँ, और 10 बजे के आसपास सिर्फ आधा कप दूध लेती हूँ। तो यहाँ पर ये जब तक मैं घूम कर आई, तो आप देख सकते हैं शाम के 7 बज चुके हैं, और दाल मैंने बना ली थी, और बाहर बहुत गर्मी थी, बहुत ज़बरदस्त लू चल रही है, बहुत ही ज़्यादा गर्मी है। मेरे फूल अभी थोड़े थोड़े खिल रहे हैं, औरों में अभी थोड़ी थोड़ी आने की गुंजाइश है, कलियाँ वगैरह जो हैं खिल रही हैं थोड़ी थोड़ी सी। तो ये है मेरी दाल, 7:30 जो हैं बजने वाले, 7:20 हो रहे हैं, और इसके अंदर मैंने डाल लिया है ऊपर से धनिया, चाहे तो आप चाट मसाला भी डाल सकते हैं। तो आप देख सकते हैं ये बड़ा एक कटोरा है जो मैंने आधे से थोड़ा सा ज़्यादा ये इसके अंदर दाल डाली हुई है, और इस तरीके से मैं खाती हूँ। चाट मसाला कभी कभी मन करता है तो डाल लेती हूँ, नहीं तो थोड़ा सा आमचूर डाल लेती हूँ और दाल को पी जाती हूँ, और रोटी बिल्कुल भी नहीं लेती हूँ। इसके बाद फिर जैसे मैंने बताया कि रात को 10 बजे के आसपास दूध लेती हूँ, वो भी आधा कप, तो आप समझ सकते हैं कि 7:30 बजे के बाद मैंने कुछ नहीं लिया है। फिर मॉर्निंग में खाना जो होता है, जो अन्न जिसे मैं बोलते हैं, वो मैं 10 बजे के आसपास लेती हूँ, तो एक तरह से इंटरमिटेंट फास्टिंग हो गई, कुछ भी नहीं खाया है, तो इसका बहुत ज़्यादा फायदा होता है, बाकी मेरी वॉक तो है ही। तो यही था वीडियो, अगर पसंद आया तो लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। मिलूंगी आपको जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।